मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, फ़याज़ हैदर शो में आप सबको खुश आमदीद। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान जल जलाल और तेरा रुतबा सबसे अजीम है, तेरी शान जल जलाल और कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, और तो ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मौजूद नाज़रीन, आज के हमारे फ़याज़ हैदर शो में आज हमारे मेहमान हैं नॉर्थ अमेरिका के मारूफ गुलकार और अब सनाखा जनाब इकबाल चौहान। इकबाल चौहान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह फ़याज़ साहब, अल्लाह का शुक्र ठीक हो, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है इकबाल चौहान, आपकी दुआएं चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कनाडा कब आए? फ़याज़ साहब, कनाडा में 2011 सितंबर में आया हूँ। 2000 के सितंबर में आए तो इंडिया से आए थे या पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान कराची से आया था। कराची पाकिस्तान से आया था। अच्छा इकबाल, ये बताइए कि यहाँ जब आप आए तो जब आप मुझसे मिले तो आप तो बेहतरीन गुलकार थे और हमारे बेशुमार प्रोग्रामों में शहर से बाहर भी गए और आप कामयाब लौट आए, तो फिर अचानक ये जो आपने ये वो गुलकारी को छोड़कर सनाखानी की तरफ कैसे आए? फैज़ा, सनाखानी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने से मैं करता था जी जी, और फिर आपको पता है मैं बड़ा शदीद बीमार हुआ जी, और आप तो आते जाते रहे काफ़ी दफ़ा है, मैं ऐसी हालत हो गई थी मैं चल नहीं सकता था ना जी जी, तो ये अल्लाह का बड़ा करम होगा, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं दोबारा चलूँ और ये गाने को खैराबाद कह दूँ, तो अल्लाह का शुक्र उसको खैराबाद कहा और अब हमद नात पर अल्लाह ने मुझे डाल दिया। तो अब इत्मीनान है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यानी अल्लाह साहब जो आपने वादा किया था, जो नीयत कर ली थी उसको पूरा किया अल्लाह के कर। अच्छा इकबाल, कुछ याद है कि पाकिस्तान में जब आपने शुरू किया था तो क्या गुलकारी से शुरू की थी या नात खानी से? फैसल, पाकिस्तान में नात खानी तो स्कूल के ज़माने से शुरू की थी मैंने ठीक, उसके बाद कुछ आवाज़ सही थी तो दोस्तों ने मुझे बड़ी अप्रिशिएट किया मुझे और कहा गाना भी गाओ। अच्छा, बस उनकी बातों में आगे गाना शुरू कर, फिर आपने पलट के नहीं देखा जी बस। अच्छा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो जो नात आपने स्कूल में जो सुनाई थी उसके थोड़े से बोल हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। जज़ाकअल्लाह। इकबाल चौहान, जब आपने ये नात पढ़ी होगी तो आपको ये नहीं पता था कि बीच में मैं गुलकारी करूंगा और फिर वापस लौट के फिर इसी सफ में शामिल हो जाऊंगा। किससे इंस्पायर हैं आप? मतलब ये कि ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बेशुमार नात खां और सना खां हैं, किससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हैं? जी माशाल्लाह, काफ़ी नात खां अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान में और पूरे दुनिया में,
अल्लाह की नाथवानी को कबूल फरमाए। लेकिन मैं ज़्यादातर जो हूँ अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम साहब जो है उनको अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, उनसे मुतासर हूँ। अच्छा, तो आप क्या अलहाज खुर्शीद साहब के कोई नाथ आप सुना सकते हैं हमारे नाज़रीन? हम से शुरू करते हैं। जरूर, आप ऐसा करें कि पहले खुर्शीद साहब की नाथ सुनाइए जी, उसके बाद फिर हम। ये जो मैंने नाथ सुनाई खुर्शीद साहब की थी ना। अच्छा, खुर्शीद साहब की यही नाथ थी जो आपको शुरू से पसंद थी, इसीलिए आप ले आए। अच्छा अच्छा, तो अब यूँ करते हैं कि अब आपसे हम सुनते हैं इंशाल्लाह। जरूर। इकबाल चौहान, ये बताइए कि घर में आपको कौन सुनता है? जी माशाल्लाह पूरी फैमिली सुनती है। वैसे हमारा ख़ानदान में माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ते हैं। मेरे मरहूम मामू, मेरी बड़ी बहन, मेरे भाई हैदराबाद में है अब्दुल कादर मलिक साहब, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली, वाइफ सब नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इकबाल आप करते क्या वैसे? फैसल पाकिस्तान में मेरा छोटा मोटा बिजनेस था और यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला दाल रोटी निकाल देता है। अच्छा, दाल रोटी निकाल देता है अल्लाह ताला। तो आप वही है जिसके किसी दोस्त ने आपसे कहा था मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तो आपने कहा ज़रूर मेरे घर आओ, मैं जो भी दाल रोटी हाजिर होगी मैं कर दूंगा। तो वाकई जब वो आपका दोस्त आपके घर पहुँचा तो आपने उसको दाल रोटी गिरा दी? नहीं फयाज साहब, ऐसी बात नहीं, कोई किसी को क्या खिला सकता है, ये सब ऊपर वाले की इनायत है जो बस। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि किसी की क्या औकात है किसी को क्या खिला सके, ऊपर वाले खिलाते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर मैंने एक दस्तरखान पर देखा था लिखा हुआ, मेरी वालदा इंडिया से लेकर आई थी, उस पर लिखा था शुक्र कर रज़ाक का बददिल न हो मेहमान से, शुक्र कर रज़ाक का बददिल न हो मेहमान से, रिस्क खाता है वो अपना तेरे दस्तरखान से। माशाल्लाह क्या बात है। तो जो दोस्त आपके घर आके खा कर गया था वो अपने रिस्क खुद ही खा कर गया था। तो ये बताइए कि आगे हमें क्या सुनाएंगे आप, कोई दूसरी नात? जी, नात शरीफ पेश करने की आदत हासिल करूँगा। कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह है
मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह ते बाको बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कांसाए जा, तजल्लियात से भर मैं अपना कांसाए जा, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, सलाम के हाज़िर गुलाम हो जाए। और हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो। जज़ाकअल्लाह खैर। इकबाल, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया, ऐसा लग रहा था कि आपसे गुफ्तगू ना की जाए, सिर्फ आपसे सिर्फ नात और हमदी सुना जाए। थोड़ा सा एक यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा वक्फा, फिर हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। रियल स्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे, वाजिद मलक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए, पल पल खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है आपका वाजिद मलक। फाइंडिंग हलाल ग्रोसरी has never been easier.
whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Human Concern International is invested in raising a forest of able and independent communities. We actively provide assistance to refugees and families, supplying food, medical equipment, educational needs, fulfilling the basic needs of people in difficult circumstances, and ending poverty in the world. We believe in dignity for all. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है, और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल को लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. Welcome back after the break. जनाब इकबाल चौहान साहब, ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी नात पढ़ी, आपने हम सुनाई, क्या आपने सऊदी अरब कभी गए, आपने उमरा किया, हज किया, कुछ किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2006 में मुझे उम्रे की सआदत हासिल हुई फैमिली के साथ। 2006 में फैमिली के साथ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर आप नहीं गए हों तो मैं आपको भेज देता। माशाल्लाह, ऐसे अच्छी बात की है, तो जितनी दफ़ा कहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलावा भेजेगा तो हम पहुँचेंगे। जाहिर है, वो तो बगैर बुलावे के कोई जाता ही नहीं है, मेरे और आपके सोचने से नहीं होगा। बहरहाल, आपने नीयत की भी, अल्लाह ताला जब भी चाहेगा तो ज़रूर पहुँचेंगे आप। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि आपने अलाज खुर्शीद अहमद साहब का नाम लिया था, तो उनकी कोई एक नात हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे मकीनों मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में हिजाब तुम्हारे लिए दहन हमारे तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हमारे तुम्हारे लिए उठे भी तुम्हारे लिए और इशारे
चांद चीर दिया गेहूं खुल को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए और सबाब चले के बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए। जज़ाकअल्लाह खैर। इकबाल चौहान ये बताइए कि हमारे जुनेद जमशेद साहब जो पहले पॉप सिंगर थे हमारे पाकिस्तान के वो भी इस तरफ आ गए अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दी। हमारे पास एक अली हैदर थे बड़े अच्छे सिंगर उन्होंने भी ये काम छोड़ दिया। तो आप समझते हैं कि आप उन लोगों के शाना बशाना हैं और क़यामत के दिन आप सब उनके साथ होंगे जो लोग जिनको हिदायत दे दी अल्लाह ताला ने। फ़याज़ साहब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस तरफ हमें माइल किया। ये सब उसी की रज़ा है और उसी पे अल्लाह ताला मर्द दम तक कायम रखे इंशाअल्लाह। तो आप मुतमईन हैं कि आपने सही फ़ैसला किया? मेरा फैसला किया अल्लाह की अता है शुक्र मालिक। अच्छा मतलब ये कि आपने तो नीयत की ना तो अल्लाह ताला ने इसको वो अमली जमा पे। अब ये बताइए कि जैसे आपको कभी भी कोई कंसर्ट होता है म्यूज़िकल उसमें आपको बुलाया जाए जिस तरह आप गाते रहे हैं पैसे भी मिलते हैं एक तरफ आपसे कहा जा रहा है नात पढ़ने के लिए आइए पैसे कुछ नहीं है तो अभी भी ऐसा लगता है कि नीयत डामाडोल है? देखिए फैज़ साहब जब मैं सिंगर था तो उस वक्त लोग वाह वाह कहते थे और मैं चाहता हूँ कि अब लोग सुभान अल्लाह कहें ताकि उनको भी अजर मिले। क्या तो बात है ये बहुत अच्छी बात की आपने कि अब वाह वाह से आप सुभान अल्लाह पे आ गए हैं। तो आइए दूसरा एक नाच सुनते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। जी रोक लेती है आपकी निस्बत रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने
है हुजूर का हम पर आने वाले आजाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले आजाब टलते हैं अब हमें क्या गिराएगा हर सहारा गले लगाएगा हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं वो समझते हैं बोलियां सबकी वो ही भरते जो सबकी आओ बाजार मुस्तफा को चले आओ बाजार मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं इकबाल चौहान दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बिल्कुल नात के बाद नात हम के बाद हम सुनता है लेकिन वक्त की कमी है मैं आपसे से गुजारिश करूंगा कि मनकबत के चंद आशार ज़रूर सुना दें क्योंकि लोग आपको किसी भी महफिल में मनकबत सुने बगैर आपको छोड़ते नहीं हैं तो प्लीज़ मनकबत के चंद आशार प्लीज़ हमारे आया होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे
रसूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, आल रसूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आप के बगैर इतने गुलाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, और प्यासा हुसैन को कहूँ मैं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर,
और आले नबी का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, हुस्नो शबाब रेत पर। जज़ाकअल्लाह, सुभानअल्लाह। इकबाल चौहान, आपने तो ऐसा समा बांध दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे ये महफिल जारी रहे और लोग सुनते रहें। इकबाल, कबल इसके कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी, मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, मैं तो इस लायक नहीं भी। एक बात है कि हमेशा कुछ भी करो तकब्बुर मत कीजिएगा खुदा के लिए। बहुत छोटा सा पैगाम लेकिन बहुत जामे बात है कि जब आप तकब्बुर छोड़ देंगे तो सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी। इकबाल चौहान, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया है जो आपने इतने कीमती वक्त से मुझे टाइम निकाल के दिया और मुझे बुलाया, और मैं यहाँ इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैं हमेशा आपको गाने के लिए स्टेज पर और नाचने के लिए बुलाया करता था, आज आपको एक बहुत अच्छे काम के लिए बुलाया। मेरा दिल भी आपको दुआएँ दे रहा है, आप भी मेरे लिए दुआ क्या कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर शुक्रिया। और आखिर में एक शेर कि थे गुलोकारों में शामिल और हर महफिल की जान, थे गुलोकारों में शामिल और हर महफिल की जान, अब है वो मारूफ सना खान नाम है जिनका इकबाल चौहान। मौजूद नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के फैयाज़ हैदर शो का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। ज़िंदगी बाखर रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा, सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो
तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. गए 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 अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ। जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। आई नो दैट। अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद इम रजा को और सुनो, सैयद ला गॉट ओवर अ मिलियन डॉलर्स इन सेटलमेंट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हाट, ओवर अ मिलियन डॉलर टू हिज क्लाइंट? जी हाँ। अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim, car accident or slip and fall. Call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का।